हेलो दोस्तों, नमस्ते। करवा की हार्दिक बधाई सबको। अब मैं पूजा करके आ गई हूँ, 8:30 बज गए हैं। अब मैं पूजा करके अर्घ दे के आ गई हूँ और हमारे यहाँ चौक पूर के करवा बनाए पूजा किया जाता है। और चूँकि मैं अकेली अपने छत पे साफ सफाई से थोड़ा मैं ज़्यादा पंडिताई करती हूँ ना, तो थोड़ा अपने तरीके से हम पूजा करते हैं, थोड़ा नैहर का थोड़ा ससुराल का सब मिक्स अच्छे से। तो मैं पूजा करती हूँ और मैं पूजा करके आ गई हूँ। और अब भी मैंने ये पूजा का, तो मैं ये एक गट्टा एक चूरा इसी से मैं व्रत खोल लूँगी। और यह मेरे यहाँ ये ऐसा रिवाज नहीं है कि हाँ पति पानी पिलाए, ऐसा कुछ नहीं। ये सब फिल्मी और चोचले हैं, जो परंपरागत जो अपनी दादी नानी से हम लोग देखते आए वही करते हैं। क्योंकि लोटे से मैंने अर्घ दिया था तो इसमें पानी पीती हूँ। एक कलसा वहाँ अलग एक्स्ट्रा रखती हूँ और एक करवा मैं पूजा करती हूँ। करवा उठाना ही पूजा घर में रख दी हूँ, मैं दिखाती हूँ। बहुत प्यास लगी थी, बहुत ज़्यादा पी। दोस्तों मैं दिखाती हूँ पूजा घर में करवा मैं भी उठा के लाई हूँ, छत से करवा उठा रही हूँ, कलसा वगैरह और सब पूजा। वहाँ हम लोग गए नहीं वीडियो बनाने, इसलिए ना कि छत पे बहुत सारे लोग सब अपने अपने छतों पे सब जिस छत जुड़ी हुई है इकट्ठा हो जाते हैं। तो मेरी बेटी वीडियो बनाने जाती नहीं है, वो तो थोड़ा शर्माती है। और पति मेरे बनाते नहीं हैं और बच्चे हैं, सब चले हैं अपने अपने काम से, है नहीं कोई। दोस्तों ये मेरा पूजा घर है, आप देख सकते हो। मेरी बेटी वीडियो बना रही है, देखिए दुर्गा मैया है और शंकर जी भोलेनाथ बाबा का पूरा परिवार है, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी हैं, माँ वैष्णो देवी हैं, लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, हनुमान जी हैं, गणेश लक्ष्मी जी, और ये सब रामायण नीचे रखे हैं, ये सब धार्मिक पुस्तकें हैं और ये वगैरह गंगा जल और नीचे सब पूजा की सामग्री है। और ये देखिए मैंने बहुत छोटा सा मेरा पूजा घर है और ये मैं उठा लाई हूँ, तो उठा लाई हूँ तो फिलहाल मैंने अभी रख दिया है, दिया जलना है। और हमारे यहाँ ये कुश की आसनी है, इस पे बैठ के पूजा करते हैं। कुश छूना भी बहुत अच्छा होता है, तो यही अटका लेते हैं। हमारे यहाँ सभी धार्मिक है, ऐसी बात नहीं है। और बस छोटा सा है पूजा घर। और प्लीज़ दोस्तों हम ये देखिए कढ़ी खाने में बना है, ये पूड़ी और कचौड़ी बना है और ये बड़ा अच्छा ऐसे ही बना है। ये मैं सच बताऊँ तो मेरी बेटी ने ये बड़ा और ये सब पूरा खाना बनाया है, क्योंकि मेरा सिर घूम रहा था और मेरे को एकदम चक्कर आ रहा था। पानी वानी तो पीना नहीं होता, हमारे यहाँ सरगी वर्गी नहीं खाई जाती है। हम लोग रात में खा लेते हैं, 12 बजे से पहले खाना पानी जो भी ब्रश मंजन सब हो जाता है, उसके बाद से हम लोग पानी नहीं पीते हैं। कोई सरगी वर्गी नहीं, कोई चाय नाश्ता नहीं, चाय वाय पानी वानी नहीं। तो फिर अब मेरी एज तो है 54-55 साल की, तो मेरे को तो कॉमन सा मतलब है कि हाँ मेरे को तो मेरी बेटी ने बनाया है खाना पूरा। और जैसे भी बनाया है हम लोग खाएंगे, क्या करें, सीखेगी बेटी और अच्छा अच्छा सीख अच्छा बनाएगी। दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो। और धन्यवाद, प्रणाम सबको।